हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा कैप्सूल। अश्वगंधा लेने के क्या फ़ायदे हैं, इससे हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में। आज हम दिन भर की थकान को दूर करने के लिए अश्वगंधा पाउडर को लेना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करते हैं, अगर आपको थकान रहती है, नींद नहीं आती, तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। तो गाइस चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। यह हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से हमारे काफ़ी एनर्जी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर एनर्जेटिक फील करता है। इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक ये मजबूत करता है। अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं जिससे कि आपका पाचन तंत्र ख़राब हो गया है, अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक मजबूत कर देगा। स्ट्रेस को दूर करने में भी ये काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध होता है। अगर आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाता है, कोई भी रोग आपको इतनी जल्दी आसानी से नहीं लग सकता। तो गाइज़ ये थे इसके फ़ायदे, तो चलिए बात कर देते हैं इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। गाइज़ आपको खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद आप इसको गर्म पानी या दूध से ले सकते हैं। आपको 1 कैप्सूल दिन में लेना है, चाहे आप इसको लंच के टाइम खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद ले सकते हैं, या फिर आप रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने से पहले आप इसका 1 कैप्सूल गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। गाइस अगर जो भी लोग जिनको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसका इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। तो गाइस धन्यवाद, ये थे इंस्टेंट वेदा अश्वगंधा कैप्सूल के बारे में कुछ जानकारी। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।